हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राबी जी की पढ़ाई का मजाक उड़ाने वाले आज तक के एंकर स्मृति ईरानी की डिग्री पर कब सवाल करेंगे? नेताओं की शिक्षा पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन शिक्षा के आधार पर उनके काम को आंकना कितना सही है? आज तक के पत्रकार निशांत चतुर्वेदी ने हाल ही में राबड़ी देवी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। उसी पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मोदी पर ट्वीट किया था, जिसे निशांत चतुर्वेदी ने रीट्वीट किया। निशांत ने लिखा, अच्छा जी राबड़ी देवी जी भी ट्वीट करती है, को इनसे बोले कि ये बस 3 बार ट्विटर बोलकर बता दे। निशांत ने राबड़ी देवी की शिक्षा और उनकी बोली का मजाक उड़ाया और सीधे तौर पर मोदी का बचाव करते हुए दिखाई दिए। इस मामले में लालू और राबड़ी के दामाद और समाजवादी पार्टी के नेता तेज प्रताप सिंह ने राबड़ी का बचाव किया। तेज प्रताप सिंह ने ट्विटर पर राबड़ी के अपमान का जवाब दिया। उन्होंने निशांत चतुर्वेदी के साथ ही बीजेपी की स्मृति ईरानी को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने निशांत को उनकी सोच के लिए लताड़ा और बीजेपी मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाने की सलाह दी। उन्होंने ट्वीट किया, पंडित जी जरा मनुवादी सोच से बाहर निकलो, जमाना बदल चुका है और आप अब भी पिछड़ों और महिलाओं के पीछे पड़े हो, जिनके ऊपर आपने व्यंग किया है और कई साल बिहार की मुख्यमंत्री भी रही है। अगर आपको ज्यादा ट्वीट का शौक है तो एक स्मृति ईरानी जी की शैक्षिक योग्यता पर भी कर दीजिए। आरजेडी राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने चैनल पर आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया, प्रिय आज तक अपने संपादकों में से एक निशांत चतुर्वेदी ने राबड़ी देवी के खिलाफ एक वृत्त और पूर्वाग्रही ट्वीट किया है, क्या आप अपने चैनल में इस तरह की जातिवादी का समर्थन करते हैं? बस एक बारीक समझ के लिए पूछ रहा हूँ। ट्विटर पर राहुल से पिछड़े पीएम मोदी, 2.5 गुना ज्यादा है ट्वीट की पॉपुलैरिटी। डिजिटल के इस नए दौर में राजनीतिक लड़ाइयां सिर्फ भाषा और रैलियों से नहीं की जाती हैं, बल्कि एक जंग सोशल मीडिया पर भी जारी रहती है। लोकसभा चुनाव के बीच एक आंकड़ा ऐसा सामने आया है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पछाड़ दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर किए गए ट्वीट्स की लोकप्रियता में राहुल गांधी पीएम मोदी से 2.5 गुना आगे हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच इंडिया टुडे की DIU ने लोकसभा सांसदों और देश के मंत्रियों के ट्विटर का रिकॉर्ड्स खंगाला। 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 30 अप्रैल 2019 तक के ट्वीट्स का एक आंकलन किया गया। ट्विटर पर देश के सबसे लोकप्रियता नेता नरेंद्र मोदी है, लेकिन ट्वीट्स के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उनसे काफी आगे हैं। दरअसल राहुल गांधी का ट्वीट औसतन 7,661 बार रीट्वीट किया गया है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट औसतन 2,984 बार रीट्वीट किया जाता है। सबसे ज्यादा रीट्वीट के मामले में राहुल और मोदी के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली का नंबर आता है और उनके बाद पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह के ट्वीट पर सर्वाधिक रीट्वीट मिलते हैं। भारत में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स के मामले में नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं। ट्विटर पर उनके करीब 4.7 करोड़ फॉलोअर्स हैं। उसके बाद अरुण जेटली, राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज का नंबर है। इस लिस्ट में राहुल गांधी 5वें नंबर पे हैं। उनके 9.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, करीब यानी 83 लाख फॉलोअर्स। गौर करने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी ने काफी देर से ट्विटर पर एंट्री की थी। इंडिया टुडे की DIU की टीम ने इस रिसर्च के दौरान करीब 2,68,000 का अध्ययन किया। इसके देश में कुल 224 लोकसभा सांसदों के अकाउंट का अध्ययन किया गया है, जिसमें 160 बीजेपी के सांसद शामिल हैं। गिरिराज की फिसली जुबान, बोले मोदी जी ने आतंकवादियों का समर्थन किया और सेना को गोली मारी। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के एजेंडे को स्थापित करना चाहती है, कि आज से नहीं मोदी सरकार की बनने से पहले की बात हो रही है, लेकिन मोदी जी ने आतंकवादियों को समर्थन किया और सेना को गोली दी। पहले पूरे देश में विस्फोट होता था, अब मोदी जी ने कश्मीर के 3 जिलों तक सीमित कर दिया है। अब अगली बार बनी तो पाकिस्तान को उसी तरह बिल में घुसेड़ दिया जाएगा। ये बयान है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, जिन्होंने पीएम मोदी को आतंकवादी समर्थक बता दिया। ये बयानबाजी गिरिराज को करनी तो कांग्रेस के खिलाफ थी, मगर उनकी जुबान फिसल गई।
ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी नेता की यूं जबान फिसल गई हो। इससे पहले कई बीजेपी नेता ऐसा बयान दे चुके हैं जिसे देखकर लगता है कि वो चुनावी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और कुछ भी बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बता दें कि गिरिराज सिंह इस बार बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जहां चुनाव अब खत्म हो चुका है मगर उनकी बयानबाजी लगातार जारी है। वो कभी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं तो कभी पाकिस्तान पर, मगर भारत के विकास की तो वो बात ही नहीं करते और ना ही ये बताते हैं कि आखिर रोजगार देने में उनकी सरकार विफल क्यों रही। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बोले, 2014 से अब तक हुए 942 बम धमाके, पीएम मोदी खोले अपने कान। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के हमले में 16 जवानों के शहीद होने की घटना के कुछ घंटों के बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के उस बयान पर निशाना साधा जिनमें उन्होंने दावा किया था कि 2014 के बाद से देश ने बम धमाकों की आवाज़ नहीं सुनी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2014 के बाद से देश ने बम धमाकों की गूंज नहीं सुनी। पुलवामा, पठानकोट, उरी, गढ़चिरौली और 942 अन्य बम विस्फोट की घटना हुई है। पीएम को अपने कानों को खोलने और सुनने की जरूरत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी पीएम मोदी के इस बयान पर हमला बोला कि उनके कार्यालय में बम धमाके होने बंद हो गए। पी चिदंबरम ने अपने ट्वीट में दंतेवाड़ा, पलामू, औरंगाबाद, कोरापट, सुकमा, अवापल्ली और छत्तीसगढ़ में हुए बम धमाकों की लिस्ट पोस्ट करते हुए कहा, क्या ये याददाश्त चले जाने या फिर अनिवार्य आदत के कारण। कांग्रेस ने बुधवार को गढ़चिरौली में सुरक्षा कर्मियों पर हुए भीषण हमले की निंदा की। राहुल गांधी ने ट्वीट में अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि जवानों के शहीद होने से उनको गहरा दुख पहुंचा है। उधर महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख ने घटनास्थल का दौरा किया जहां नक्सलियों के हमले में 15 जवान और एक ड्राइवर मारे गए। उनके साथ गढ़चिरौली के कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ नेता साथ थे। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, हमारे जवान सीमा पर और नक्सल एरिया में शहीद हो रहे हैं, बीजेपी सैनिकों के बारे में बात करती है, ये कैसी राष्ट्रीय सुरक्षा है कि हर दिन एक सैनिक शहीद हो रहा है। मोदी जी प्रज्ञा से कहिए वो अपना श्राप हफीज सईद पर इस्तेमाल करे, देशभक्त अधिकारी पर नहीं। संगीतकार जावेद अख्तर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम मोदी पर जमकर बरसे। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि मैं अपनी जिंदगी के 4.5 साल का समय भोपाल में गुजारा है, मेरा बाल बाल भोपाल का कर्जदार है। बीजेपी ने क्या समझकर प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, बीजेपी की इससे मानसिकता पता चलती है। जावेद अख्तर ने कहा कि ये चुनाव अब तक के चुनावों से अलग है, ये देश की दिशा तय करने वाला चुनाव है और मोदी और अमित शाह पसंद नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर के श्राप देने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि जब उनके श्राप से एक देशभक्त ऑफिसर शहीद हो सकता है तो ऐसे श्राप को देश भर में इस्तेमाल करना चाहिए। अख्तर ने कहा कि मैं मोदी जी को ये सुझाव दूंगा कि आप उनके श्राप को हाजिफ सईद और दूसरे आतंकवादियों पर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतार कर खुद ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। शिवसेना के बुरके पर बैन की मांग को लेकर जावेद अख्तर ने कहा कि बुरके पर कभी कानून आना चाहिए और घूंघट पर भी रोक लगनी चाहिए। अगर बुरका को लेकर कानून आता है तो राजस्थान के घूंघट पर भी रोक लगनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी के बारे में बात करते हुए कहा कि भाजपा की ऐसी विचारधारा है कि अगर तुम भाजपा के पक्ष में नहीं हो तो तुम एंटी सोशल हो। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।